वेलकम दोस्तों, एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है न्यू यूट्यूबर्स के लिए मोटिवेशनल वीडियो है, एंड साथ में आप सभी गूगल एडसेंस से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। एंड तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, एंड गूगल एडसेंस कितने दिन में आपके घर पे पहुंचता है सारा कुछ आज के वीडियो में बताने वाले हैं। एंड फाइनली मेरा गूगल पे मतलब गूगल एडसेंस आ चुका है आपके प्यार एंड सपोर्ट के वजह से। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइब 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था। एंड आप जो है आप सभी की वजह से मेरे $10 कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने गूगल एडसेंस अप्लाई कर दिया था और मेरा गूगल एडसेंस मेरे घर पे डिलीवर हो गया। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कितना टाइम लगा, कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा यूट्यूब पे, तब जाकर मुझे गूगल एडसेंस मिला है आज जाकर, और अभी पहली इनकम आएगी तो भी और कितनी खुशी होगी आप सभी के प्यार की वजह से। तो इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के वीडियो में बताएंगे कि इसका जो एड्रेस पूरा पड़ा हुआ था गूगल एडसेंस का वो मेरे गांव का पड़ा हुआ था, और फाइनली इस पे मैंने मोबाइल नंबर भी नहीं डाला था। तो मैंने इसे पाने में कितना टाइम लगा एंड कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे सारा कुछ आज के वीडियो बताने वाले हैं, और मेरे चैनल पर कितने डॉलर बन चुके हैं वो भी आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को पूरा इतिहास बताते हैं अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो सिंपल पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल मोनेटाइज कब हुआ था। तो मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए मैंने भेजा था 20 अगस्त को, और 24 अगस्त को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, और 25 को मैंने सारे वीडियो पे अपने ऐड लगा दिए थे, और 3 सितंबर को मेरे पे $10 कंप्लीट हो गए थे। 3 सितंबर को नाइट में मैंने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर दिया था, और 20 सितंबर को जो है मेरा गूगल एडसेंस पिन रिसीव हो गया। तो आप समझ सकते हैं टू वीक का टाइम लगा मेरा गूगल एडसेंस पिन यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया। और काफ़ी ज़्यादा यूजरों में क्या होता है बहुत मतलब 4 वीक तक टाइम दिया जाता है, उसके बाद आप रिसेंड करके दूसरा पिन मंगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मिस्टेक भी करते हैं, यहाँ पे मैंने भी मिस्टेक किया था। यहाँ पे आप सभी लोग फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पे अमन वर्मा टिकाई नगर विलेज उफरौली डाला था, पर मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला था। तो दोस्तों मेरा जो मैंने कॉन्टैक्ट बना लिया था डाकघर से, और जैसे कि मेरा ये गूगल एडसेंस पिन वहाँ पे आया मुझे तुरंत ही रिसीव हो गया, मुझे तुरंत ही पार्सल कर दिया गया। और अभी तो मैं सिटी में हूँ तो थोड़ा समझ सकते हैं कि मैं बहुत दूरी पे हूँ, 50 किलोमीटर की दूरी से हूँ अपने गाँव से। तो वहाँ से मुझे पिन जो है लाना पड़ा, और मैं वहाँ से आ ही रहा था और मुझे पिन रिसीव हो गया। काफ़ी खुशी की बात है, मैं वहाँ से निकल ही रहा था और मुझे फ़ोन आ गया कि आपका जो है गूगल एडसेंस पिन यहाँ पे आ चुका है और आकर आप यहाँ से ले जाइए। तो यहाँ पे फाइनली मैं जाते जाते यहाँ से गूगल एडसेंस पिन भी ले आया। तो 2 वीक का टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है 3 वीक का टाइम लग जाता है जो विलेज से रहते हैं जिनके अलग, और मेरा अलग थोड़ा विलेज में भी प्रॉब्लम था, पर वहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट बनाया था इसलिए मेरा जो है डाकघर के जो डाकिया थे वो काफ़ी अच्छे मैन थे, मतलब अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने जो है मुझे तुरंत फ़ोन कर दिया और कहा कि आपका गूगल एडसेंस आ चुका है तो आप उसे आइए ले जाइए। तो मैं वहाँ पे गया एंड गूगल एडसेंस अपना ले आया। तो आप हमेशा एड्रेस टू लाइन पे आप सभी लोग अपना मोबाइल नंबर डाल लेना जिससे आपको वो कॉन्टेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, पर मैंने अपना कॉन्टेक्ट बना रखा था। अब काफ़ी ज़्यादा लोग पूछेंगे कि भाई आपको कितना टाइम मतलब कितना टाइम लगा यूट्यूब पे जर्नी में। तो 26 दिसंबर 2020 को मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और आप समझ सकते हैं आज सितंबर चल रहा है, अब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। उससे पहले भी मेरा एक चैनल था वन मिस्टर वन टेक्निकल, पर वो टर्मिनेट हो गया था मेरी कुछ गलतियों के कारण। वो भी मोनेटाइज होने वाला था पर कुछ मैंने वहाँ पे मिस्टेकें की थी तो वो टर्मिनेट हो गया था। तो उसकी कहानी नेक्स्ट वीडियो में कभी हम बता देंगे। आज की वीडियो में इतना ही बताने आए थे कि गूगल एडसेंस पिन जो है रिसीव हो चुका है, अब इसे हम वेरीफाई करेंगे एंड यहाँ पे अपना जो है पूरा अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे सारा कुछ डालेंगे। तो SBI का अकाउंट मैं यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ, और मुझे स्विफ्ट कोड लेने में भी प्रॉब्लम हुई थी। स्विफ्ट कोड लेने के लिए मैं बैंक गया था, और वहाँ पे बैंक अधिकारियों ने कहा था कि आप पहले अपना पासबुक चेकबुक लाइए तो मैं आपको स्विफ्ट कोड दूंगा। तो अगर आपका भी चैनल मोनेटाइज होने वाला है एंड आप, तो आप पहले जाकर अपना स्विफ्ट कोड ले लेना। आप जिस बैंक में हैं तो आपको वहाँ से स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, आप पासबुक वगैरह लेकर जाना, वरना ऐसे ही चले जाओ। क्योंकि मैं भी उस बैंक का मतलब खाता धारक था, फिर भी मुझे पासबुक चेकबुक लेकर जाना पड़ा, तभी मुझे स्विफ्ट कोड वहाँ से मिला। तो फाइनली आज समझ सकते हैं कितना खुशी का दिन है, आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से मेरा $10 भी कंप्लीट हो गया था एंड मेरा गूगल एडसेंस पिन भी आ गया। और आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे तो फर्स्ट इनकम जल्द ही आएगी, और आप सभी के साथ में शेयर करूँगा उसे भी। और फर्स्ट इनकम आएगी तो कुछ गिववे वगैरह भी हम करने की सोच रहे हैं अपने चैनल पर। जो कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं,
तो उनको कुछ ना कुछ छोटी सी भेंट ज़रूर देंगे ऑनलाइन पे करके, उनका एड्रेस वगैरह लेकर कुछ पे करेंगे, तो उनका जो है प्लान बन रहा है। तो मेरी फ़र्स्ट इनकम आएगी तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा उनके लिए। तो दोस्तों, गूगल एडसेंस पिन कितने दिन बाद आई सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया, स्विफ्ट कोड का भी फंडा बता दिया, एंड मैं एक छोटे से गांव से हूँ तो उसके बारे में बता दिया, जिसके वजह से आप लोग ये मत कहना कि अमन भाई आप सिटी से हैं। तो ये मेरे गांव का ही एड्रेस पड़ा हुआ था, तभी मुझे 2 वीक में आ गया था। तो आप सभी को आज के वीडियो में मैंने बता दिया कि गूगल एडसेंस पिन आने में कितना टाइम लगता है, सारा कुछ इस वीडियो में शेयर कर दिया, एंड मेरे यूट्यूब पर अभी कितनी इनकम हो गई आप काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसमें मैं अपनी इनकम शेयर कर दूंगा आप सभी को, एंड साथ में आप सभी से बता दूं कि आप सभी लोग अगर यूनिक न्यू क्रिएटर यूट्यूबर हैं तो आप सभी लोग भी इस दिन का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब मेरा गूगल एडसेंस आए यूट्यूब की तरफ से। तो मैं आप सभी से, जितने भी न्यू क्रिएटर हैं, तो मैं अपनी तरफ से दुआ करूँगा कि आप सभी लोगों का जल्दी 1000 चैनल का मतलब सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट हो, और आप सभी का भी गूगल एडसेंस पिन आपके घर पर जल्दी रिसीव हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, कमेंट करना, शेयर करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।